नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करने वाले हैं न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा की कुछ फायदे और कुछ कमियों के बारे में। तो अगर आप भी ये गाड़ी खरीदने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ कि हो सकता है आपको शायद ना पता हो। तो अगर आप ये गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नई ब्रेजा अपने आप में बेहद ही शानदार गाड़ी है। काफ़ी लोग जो है इस गाड़ी के दीवाने हैं, क्योंकि इस गाड़ी के जो लुक्स है वो बेहद ही खतरनाक है। अगर हम बात करें इसकी रियर प्रोफाइल की तो बिल्कुल वो रेंज रोवर की तरह लगती है, और काफ़ी लोगों ने खरीदने के बाद तो इस गाड़ी पे रेंज रोवर ही लिखवा लिया है। तो ये गाड़ी जो है अपने आप में लुक्स में एक काफ़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती है। अगर हम बात करें कंपिटिटर से तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल अगर हम बात करें लुक्स की बात करें, हाइट की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ओवरऑल जो इस गाड़ी का लुक्स का जो कम्बिनेशन है वो एक बल्कि और एक दमदार एसयूवी की तरह देखने में लगता है। और देखने में ऐसा लगता है कि ये गाड़ी एक 4 मीटर से अबव की एसयूवी है, जबकि ये गाड़ी जो है 4 मीटर साइज़ के अंदर आती है। तो ये था इस गाड़ी का पहला फ़ायदा जो कि था लुक्स। मैं आपको बता दूं कि हर एक गाड़ी अगर उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ हम पहले फ़ायदे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपको नुकसान भी बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नई ब्रेजा खरीदने पे 1 लाख तक बचाना चाहते हैं तो कैसे वो बचा सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वीडियो का, वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड पॉजिटिव की। तो दोस्तों, ब्रेजा एक ऐसी एसयूवी है जिसमें हमें पेट्रोल इंजन के साथ बड़ी ही अच्छी माइलेज देखने को मिल जाती है। 20-21 की एमपीएल की माइलेज हमें ये गाड़ी दे देती है हाईवेज पे, जो कि कोई और एसयूवी पेट्रोल इंजन के साथ हमें नहीं दे पाती। अगर हम बात करें कंपटीटर्स की, किया सोनेट है, और अगर बात करें वेन्यू की, तो जितनी भी अगर अदर एसयूवीज हैं पेट्रोल इंजन के साथ हमें इतनी माइलेज नहीं दे पाती। 17-18 की हमें माइलेज मिलती है उन एसयूवीज में, लेकिन 20-21 की माइलेज देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप एक एसयूवी भी लेना चाहते हैं और साथ में अच्छी माइलेज भी चाहते हैं पेट्रोल इंजन के साथ, ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉजिटिव के बारे में। तो दोस्तों, थर्ड पॉजिटिव अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने काफ़ी गाड़ियां देखी होंगी मारुति सुजुकी की, अच्छी माइलेज तो मिल जाती है आपको बाकी गाड़ियों में, लेकिन अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिल पाती। अगर हम बात करें स्विफ्ट की, डिज़ायर की, या फिर बलिनो की बात करें, तो उन्होंने सेफ्टी रेटिंग में इतना अच्छा स्कोर नहीं किया है। लेकिन यहाँ बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा में मारुति की अच्छी बात यह है कि उन्होंने बिल्ड क्वालिटी के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे के माइलेज को बढ़ाया, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है उसके साथ इन्होंने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। गाड़ी अभी भी वैसे ही जैसे पहले वाली ब्रेजा हमें 4-स्टार रेटिंग के साथ देखने को मिलती थी, सेम वही प्लेटफॉर्म पे वही बिल्ड के साथ हमें देखने को मिलती है। हालांकि इस गाड़ी नई ब्रेजा का जो है क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन मानना यही है कि जो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन बिल्कुल सेम है या फिर इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पर आपको माइलेज के साथ अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहेगा क्योंकि हम आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हम पूरी कोशिश और मेहनत करते हैं ताकि आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का रिव्यू लेके आएँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख सकते हैं कि 97% लोग जो हैं वीडियो पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते। आपके लिए सिर्फ 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगले पॉजिटिव की बात करें तो दोस्तों, इस गाड़ी में हमें बेहतरीन 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें 103 BHP की पावर मिलती है। तो ये बड़ा इंजन जो है हमें एज़ कम्पेयर टू अदर SUVs हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम अदर SUVs की बात करें तो जैसे किया सोनेट है, वेन्यू है, तो उसमें हमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ही देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन में हमें टर्बो इंजन तो देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके साथ हमें थोड़ी नॉइस भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर एक ट्रस्टेड और बेस्ट इंजन की बात करें तो मारुति हमें ये बेस्ट इंजन देती है जिसमें हमें बिल्कुल नॉइस देखने को नहीं मिलती और बिल्कुल साइलेंट कैबिन देखने को मिलता है। अगले पॉजिटिव की बात करूँ दोस्तों, मारुति सुजुकी ब्रेजा में आपको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू देखने को मिल जाती है। अगर आपका कल को प्लान हो जाता है गाड़ी चेंज करने का, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपका कहीं बाहर का प्लान है, या फिर किसी भी रीज़न से आपको गाड़ी बेचनी पड़ जाती है, तो आपको जो प्राइस है वो आपको बाकी ब्रांड से बेस्ट ही देखने को मिलता है। और बड़ी ही जल्दी आप जो है गाड़ी को सेल कर सकते हैं। जिस दिन आप बेचना चाहोगे उसी दिन लगभग आप ये गाड़ी बेच सकते हैं, यानी कि सबसे जल्दी आप गाड़ी जो है बेच सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर अगले पॉजिटिव की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाती है। आप इस गाड़ी में अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं और ख़राब रास्तों में भी ये गाड़ी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तो वहीं बात करें लास्ट पॉजिटिव की, तो दोस्तों आपको रियर सीट में अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। 3 लोग बड़े आसानी से बैठ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर SUVs, जैसे कि कुछ गाड़ियों में आपको जो है पीछे 3 लोग आसानी से नहीं बिठा पाते, जो शोल्डर स्पेस है उतना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 3 लोग, 3 एडल्ट्स जो है वो अच्छे से बैठ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कुछ कमियों के बारे में।
तो सबसे पहले कमी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों के लिए ये कमी जो है, ये पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये गाड़ी जो है अपनी हाइब्रिड बैटरी के साथ आती है, जिसकी जो कंपनी वारंटी देती है 5 साल। तो 5 साल के बाद या 1,00,000 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी जो है बैटरी आपको शायद रिप्लेस करानी पड़ सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। हो सकता है कि 5 की बजाय 6 या 7 साल भी चल जाए। तो अगर आपको ये बैटरी रिप्लेस करानी पड़ जाती है तो ऐसे में इस बैटरी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप खुद पता कर सकते हैं कंपनी से। इस बैटरी का जो प्राइस है वो है 80,000। तो अगर आपको इस गाड़ी से अच्छी माइलेज मिल रही है तो कहीं ना कहीं साथ में आपको ये कमी भी देखने को मिलती है, जो आप अच्छी माइलेज के साथ पैसे बचाएंगे हो सकता है कि वो आपको बैटरी के प्राइस में देने पड़ जाएं। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं हमारी अगली कमी के बारे में। तो दोस्तों, इस गाड़ी में हमें ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप देखेंगे चारों तरफ जो ब्लैक एरिया है वो इस गाड़ी की लुक्स को एनहांस करता है। हालांकि ये पर्सनल चॉइस है, पर्सनल टेस्ट है डिज़ाइन का, किसी को ये अच्छी भी लगती है और किसी को नहीं भी अच्छी लगती। लेकिन यहाँ पे इस गाड़ी में देखा गया है कि जो ब्लैक क्लैडिंग है ये कुछ टाइम बाद ग्रे हो जाता है और ग्रे से फिर लाइट ग्रे हो जाता है, तो ऐसे में ये गाड़ी की लुक्स को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। इसे कितना भी क्लीन कर लो ये डे बाय डे और आपको लाइट ग्रे होता देखने को मिल सकता है। अगली कमी की बात करें तो दोस्तों, इस गाड़ी का जो LXi वेरिएंट है उसमें आपको जो बुकिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी लंबा समय लगता है इस गाड़ी की डिलीवरी के लिए। हालांकि अब कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे तो कंपनी इस गाड़ी की बुकिंग 6-6 महीने तक बता रही है, और अगर आप गाड़ी बुक करवाते हैं तो आपको 4-6 महीने से ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी या फिर डीलरशिप ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी की मेकिंग है बेस वेरियंट की वो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है, कुछ प्रोडक्शन इशू है जिस वजह से गाड़ी जो है बन नहीं रही है। तो वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप अपर वेरिएंट्स ले, तो ये भी इस गाड़ी की कमी है। अगर आप बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको ये गाड़ी जल्दी नहीं मिलने वाली। इसके अलावा दोस्तों, वैसे तो इस गाड़ी में 1.5 लीटर का 1500 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर पावर की बात करें तो वो उतनी अच्छी पावर जनरेट नहीं कर पाता जितना कि एक डीजल इंजन देता है। तो अगर आप एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहते हैं तो आप यहाँ थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। अगली कमी की बात करें तो दोस्तों, इस गाड़ी के LXi वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक वर्जन देखने को नहीं मिलता, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भरना होगा, आपको अराउंड 12 लाख स्पेंड करने होंगे अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहते हैं इस गाड़ी का। इसके अलावा दोस्तों, अगर अगली कमी की बात करें तो इस गाड़ी के जो अदर वेरिएंट्स है एक्सेप्ट LXi, जो बाकी के वेरिएंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहे। अगर हम LXi और VXi के ही प्राइस डिफरेंस की बात करें तो लगभग आपको 1.25 लाख का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, और LXi आपको नहीं दिया जाता है, आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है, और VXi अगर आप लेने जाएंगे तो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। हमारी लास्ट कमी की अगर बात करें तो दोस्तों, इस गाड़ी में आपको डुअल टोन वेरिएंट्स तो देखने को मिल जाते हैं, डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको ZXi वेरिएंट्स ही उसके लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली रहे। अगर आप LXi VXi खरीदना चाहते हो तो आपको वहाँ पर डुअल टोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ब्रेज़ा की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी लगी हो या कुछ फीडबैक हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।